हेलो वेलकम दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट जो कि आपके 21 अगस्त को पूछे गए हैं। तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं और आपके द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको क्वेश्चन अभी याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो एसएससी से रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आप बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे कि संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। तो यहाँ मेन इम्पोर्टेंट बात प्रस्तावना, तो अगर आपका प्रस्तावना पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 और 42वां संशोधन। अगर आपका यही क्वेश्चन ये पूछ देता कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में पहला संशोधन हमारा 1951 ईस्वी में हुआ था, बट प्रस्तावना में पूछे तो 1976 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो उभयचर होता है कि जो जलवल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूदान आंदोलन है उसका शुरुआत विनोबा भावे ने करा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताना है अगर आपको पता है तो। फिजिक्स के क्षेत्र में किसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपके रिवर्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंदेरी की युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। तो आपको पता होना चाहिए जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और जनवरी 1528 ईस्वी में आपका ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा घनत्व किस तत्व में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो ओएस में यानी कि ऑस्मियम में पाया जाता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि RBI 1935 में कितनी पूंजी पर खुला, मतलब कितनी उसके पास पूंजी थी RBI के पास। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 करोड़ की पूंजी पर 1935 में RBI ने अपना खोला था, ठीक है। तो बस मुझे इतने ही सारे क्वेश्चन मिले, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके और पता चल सके कि पेपर कैसे कौन सा लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर आपसे एक लाइक की उम्मीद करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।